हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी लोगों का डीएल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेकेंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ा है रिवेट एंड रिवेट ज्वाइंट्स। ठीक, जैसा कि पहले लेक्चर के अंतर्गत रिवेट किसे कहते हैं और रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार के रिवेटों की ड्राइंग बनाना हमने सीखा और रिवेट किसे कहते हैं उसकी डिफिनेशन जानी। एक बार रिपीट कर देते हैं। रिवेट जो होता है इस्पात या पिटवा लोहे की एक बेलनाकार छड़ के समान होता है, जिसके एक सिरे पर शीर्ष तथा दूसरे सिरे को पुच्छ कहा जाता है और बीच वाले भाग को शैंक कहा जाता है। ये आपका रिवेट का डिफिनेशन हो गया। यानी रिवेट की सहायता से किन्हीं दो या दो से अधिक भागों को स्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है। रिवेट की सहायता से दो या दो से अधिक भागों को स्थायी रूप से हम जोड़ सकते हैं। स्थायी, अस्थायी ना स्थायी, यानी रिवेट द्वारा किसी वस्तु को अगर हम जोड़ देंगे तो उसे फिर अतः आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। रिवेट को कट पिट यानी काटना पड़ेगा, तभी उसे अलग कर सकते हैं। ठीक, यानी कल के टॉपिक में चैप्टर नंबर दो का जो पहला लेक्चर था उसमें रिवेट के बारे में हम जाने कि रिवेट किसे कहते हैं, ये रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रिवेट प्रयोग किए जाते हैं और इस रिवेट की ड्रॉइंग कैसे बनाई जाती है जाने हैं। आज के लेक्चर में हम आज का प्रोसेस है, आज के लेक्चर जानेंगे रिवेटन किसे कहते हैं। रिवेटन यानी रिवेट द्वारा जोड़ बनाने की प्रक्रिया को रिवेटन कहते हैं। रिवेट द्वारा जोड़ बताने बनाने की क्रिया को ही रिवेटन कहते हैं। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है रिवेटन का परिभाषा दिख रहा है। देखिए सामने से लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है ध्यान सभी लोग देखिए। जब दो प्लेट या अवयवों के रिवेट के प्रयोग करके, यानी जब कोई दो प्लेट हो या कोई अवयव हो उसमें रिवेट का प्रयोग करके, स्थायी रूप से जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को रिवेटन कहते हैं। आपको एक चीज बताए ना, दो या दो से अधिक प्लेट या अवयवों को रिवेट का प्रयोग करके स्थायी रूप से जोड़ देने की प्रक्रिया को ही रिवेटन कहते हैं। स्थायी रूप से जोड़ देने की प्रक्रिया को ही रिवेटन कहते हैं। ठीक, कुछ बच्चियां जुड़ चुकी हैं। रागनी कुमारी गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी फिर से रिवेट की परिभाषा को पढ़ते हैं। रिवेट की परिभाषा क्या कहती है? जब दो या दो से अधिक प्लेटों को या अवयवों को रिवेट का प्रयोग करके स्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को रिवेटन कहते हैं। ठीक, अब आगे ये देखिए, अब आगे क्या दिया हुआ है? रिवेट व्यास तथा प्लेट की मोटाई में संबंध। रिवेट व्यास तथा प्लेट की मोटाई में संबंध, यानी जैसे हम किसी प्लेट को रिवेट द्वारा अगर जोड़ते हैं तो उस प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास में क्या संबंध होता है। यानी कह सकते हैं जोड़ने वाली प्लेट की मोटाई निर्भर करती है, जोड़ने वाली प्लेट की मोटाई निर्धारित करती है कि इसमें कितने मिलीमीटर व्यास का रिवेट लगाया जाएगा। क्लियर है ये? यानी जिन दो भागों को जोड़ने जा रहे हैं, जिन दो भागों को जोड़ते हैं उसकी मोटाई ही निर्धारित करती है कि उसमें कितना मिलीमीटर व्यास का रिवेट लगाया जाएगा। क्लियर? तो वही चीज दिया हुआ है, रिवेट व्यास तथा प्लेट की मोटाई में संबंध। ठीक, और कुछ लोग जोड़ चुके हैं, आकाश ठाकुर, सुनील यादव, जी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तब यानी यहां पर सीधे सीधे कहने का मतलब है कि रिवेट द्वारा जब किन्हीं दो प्लेटों को जोड़ेंगे तो जो रिवेट उसमें लगाएंगे हम, उस रिवेट का व्यास कितना होगा, तो उस रिवेट का व्यास जिस प्लेट को जोड़ रहे हैं उस प्लेट की मोटाई पर निर्भर करता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है रिवेट व्यास तथा प्लेट की मोटाई में संबंध। तो देखिए क्या संबंध होता है, कह रहे हैं रिवेट व्यास डी मिलीमीटर, यानी रिवेट का व्यास यदि डी मिलीमीटर हो, जो रिवेट है उसका व्यास डी मिलीमीटर हो तो प्लेट की मोटाई टी मिलीमीटर हो। रिवेट का व्यास डी मिलीमीटर तथा प्लेट की मोटाई टी मिलीमीटर हो तो डी इज इक्वल टू 6√t, यानी डी और टी में यही संबंध होता है, यानी यदि डी का मान 10 होगा तो टी कितना होगा,
इसका निकाल सकते हैं। यदि टी का मान 10 होगा तो डी कितना होगा इसको हम निकाल सकते हैं। ये होता है आपका रिवेट के व्यास और प्लेट की मोटाई में संबंध। ठीक, चलिए ये आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, यानी रिवेट का व्यास डी मिलीमीटर हो, रिवेट का व्यास डी मिलीमीटर हो तथा प्लेट की मोटाई टी मिलीमीटर हो तो डी बराबर 6√t, ये फार्मूला होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्या है। रिवेट के मुख्य पद, रिवेटर के मुख्य पद यानी रिवेट द्वारा जब किन्हीं दो प्लेटों को हम जोड़ते हैं तो उसमें किन किन फार्मूलों की आवश्यकता होती है, क्या उसके मुख्य पद होते हैं, उसके बारे में सब जानेंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला नंबर आपका है पिच। पिच क्या होता है, चलिए ध्यान देखिए। आज के लेक्चर में हम सिर्फ थियोरिकल चीज, इस चैप्टर का थियोरी जानेंगे, कोई आज ड्राइंग नहीं बनाना है। कल के यानी मंडे से जब आपका क्लास स्टार्ट होगा, तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो वहां से ओनली वन सिर्फ ड्राइंग ही बनाना सीखेंगे। ड्राइंग आज का सिर्फ थियोरिकल लेक्चर है। ठीक, आइए बढ़ते हैं पिच। देखिए पिच क्या होता है, यानी रिवेट जोड़ जब किसी दो प्लेटों को जोड़ते हैं तो उसमें पिच क्या होता है, पिच क्या होता है इसको ध्यान समझिए। देखिए पिच क्या कर रहा है, पिच मतलब एक ही रिवेट पंक्ति के दो लगातार रिवेट के मध्य, एक ही रिवेट पंक्ति के दो लगातार रिवेट के मध्य की केंद्रीय दूरी को पिच कहते हैं, के केंद्रीय दूरी को पिच कहते हैं। यदि रिवेट का व्यास d मिलीमीटर हो तो पिच का मान p बराबर 3d होता है। फिर से ध्यान समझिए, एक ही रिवेट पंक्ति यानी जैसे एक पंक्ति में ढेर सारे रिवेट लगे हो, जैसे कि यहां पर ये एक पंक्ति है, इसमें एक रिवेट यहां लगा है, 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 एक रिवेट, मतलब ये पंक्ति तो एक ही है मगर एक ही पंक्ति में ढेर सारे रिवेट लगे हैं। जैसे सीधे समझिए, ये मेरा शर्ट है तो शर्ट में देखिए बटन ये लगा हुआ है, तो ये एक ही पंक्ति में सारे बटन लगे हुए, एक ही पंक्ति में सारे बटन लगे हुए, कोई दो पंक्ति नहीं है। पंक्ति क्या, दो नहीं, पंक्ति क्या है, पंक्ति एक ही है। तो एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में दो रिवेट केंद्रों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, दो रिवेट केंद्रों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यानी एक रिवेट यहां अगर लग गया तो एक रिवेट यहां लग गया तो इसके बीच की ये दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, इसके बीच की दूरी को ही पिच कहते हैं। यानी ये पिच बराबर क्या होता है, 3d, पिच बराबर 3d, ध्यान देखिए, पिच बराबर 3d, पी बराबर 3d। यानी आपके शर्ट में बटन यदि एक यहां लगा हुआ है तो दूसरा बटन इससे 3d दूरी पे लगेंगे, यानी एक रिवेट अगर यहां लगा हुआ है तो अगला रिवेट जो लगाएंगे इससे 3d दूरी पे लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही पंक्ति में दो क्रमागत रिवेटों के केंद्रों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, इसे पी से प्रेस करते हैं, अब पी बराबर होता है 3d। ठीक, अब अगली देखिए परिभाषा क्या करें, दूसरा कर रहा है बैक पिच। बैक पिच क्या होता है, बैक पिच को ध्यान देखिए, समझिए ध्यान से, बैक पिच क्या होता है, दो लगातार रिवेट पंक्तियों के बीच की लंबिक दूरी, दो लगातार रिवेट पंक्तियों के बीच की लंबिक दूरी। अब देखिए ऊपर वाले में रिवेट की एक ही पंक्ति थी मगर नीचे वाले में कह रहा है दो लगातार रिवेट पंक्ति, यानी दो रिवेट पंक्ति हो, रिवेट की पंक्तियां क्या हो, दो हो, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, इसमें लगा रिवेट, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें इधर लगा, यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा। ठीक, बात समझिए, दो रिवेट की पंक्ति हो, क्या हो, दो रिवेट की पंक्ति हो, दो लगातार रिवेट पंक्तियों के बीच की, दो लगातार रिवेट पंक्तियों के बीच की लंबिक दूरी, क्या कहते हैं, लंबिक दूरी, बैक पिच कहते हैं, इसे पीबी से प्रेस करते हैं। यानी लंबिक दूरी, देखिए एक पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति ये हो गया, इन दोनों के बीच की लंबिक दूरी यानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, बैक पिच, ये दूरी क्या कहलाएगी, बैक पिच। यानी शर्ट पे वाली बात करते, देखिए एक बटन अगर ऐसे बंद करें, देखें किसी किसी साइड में डबल बटन बंद करते हैं, एक बटन ऐसे लगाते हैं फिर एक बटन और लगाते हैं, तो एक रिवेट बटन की पंक्ति ये, एक बटन की पंक्ति ये, इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को बैक पिच कहा जाता है, उसी को बैक पिच कहा जाता है। देखिए यहां से भी समझ सकते हैं, यानी इस दूरी को बैक पिच कहते हैं। ठीक, जब रिवेट जोड़ जिग जैग टाइप हो तो, अब देखिए, अब यानी जब दो रिवेट पंक्ति आ जाते हैं तो उन रिवेट पंक्तियों को दो तरह से जोड़ा जाता है, उस जोड़ को दो तरह से जोड़ा जाता है, एक जिग जैग टाइप जोड़ा जाता है और एक चैन टाइप जोड़ा जाता है, एक जिग जैग टाइप जोड़ा जाता है और एक चैन टाइप जोड़ा जाता है। जिग जैग टाइप, चैन टाइप को थोड़ा सा विस्तार से आगे जानेंगे, फिलहाल खाली जानिए जिग जैग टाइप और चैन टाइप दो टाइप होता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, तो वहां से विस्तार जान लीजिए। ठीक, तो देखिए दिया हुआ क्या,
जब रिवेट जोड़ जिग जैग टाइप हो तो, जब रिवेट जोड़ जिग जैग टाइप हो तो, यानी जब जुड़ने वाली प्लेट को, प्लेट का रिवेट जोड़ जिग जैग टाइप हो तो उसमें पिच, बैक पिच बराबर क्या होगा, बैक पिच बराबर क्या होगा, देखिए पीबी बराबर 2D, पीबी बराबर 2D, यानी जब दो रिवेट पंक्ति जिग जैग टाइप से जोड़े गए होंगे, जिग जैग टाइप से जोड़े गए होंगे, तो उसके बीच की ये दूरी क्या होगी, पीबी बराबर 2D क्या हो जाएगा, 2D, यानी जिग जैग टाइप से जोड़ेंगे तो ये जो बैक पिच होता है वह 2D होता है, क्या होता है, 2D, ठीक। अब उसके बाद आगे दिया होगा आपका, जब रिवेट जोड़ चैन टाइप हो तो, जब रिवेट जोड़ चैन टाइप हो, यानी दो रिवेट पंक्तियां क्या हो, जोड़ी गई हो मगर वो चैन टाइप द्वारा जोड़ी गई हो, तो जब चैन टाइप द्वारा जोड़ेंगे तो बैक पिच का जो मान होता है, बैक पिच का मान होता है पीबी बराबर 2D+6, 2D+6, बैक पिच का मान क्या होता है, 2D+6, ठीक। चलिए यहां से दो चीजें क्लियर हुई, यानी एक पिच और एक बैक पिच, जान गए, ठीक। एक ही, फिर से रिपीट करते हैं, एक ही पंक्ति में रिवेट के केंद्रों के बीच की दूरी पिच कहलाती है, जो पी से प्रेस करते हैं, पी बराबर होता है 3D, और दो क्रमागत पंक्तियों के बीच, दो लगातार रिवेट पंक्तियों के बीच लंबिक दूरी को बैक पिच कहते हैं, इसे पीबी से प्रेस करते हैं। ये दो तरह से होता है, क्योंकि इन पंक्तियों की हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, चैन टाइप द्वारा और जिग जैग टाइप द्वारा। तो जब जिग जैग टाइप द्वारा जोड़ा जाएगा तो बैक पिच 2D लिया जाएगा, और जब चैन टाइप द्वारा जोड़ा जाएगा तो बैक पिच 2D+6 लिया जाता है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते चलिए, अगला तीसरा परिभाषा आपका है मार्जिन। मार्जिन देखिए क्या होता है, मार्जिन समझिए ध्यान से, मार्जिन यानी क्या कर रहा है, रिवेट छिद्र के केंद्र से, रिवेट छिद्र के केंद्र से प्लेट के निकटतम कोर के मध्य, प्लेट के निकटतम कोर के मध्य की दूरी को मार्जिन कहते हैं, ठीक। सरोज कुमार जी जुड़े हैं, राधे राधे सरोज कुमार, ये किस ब्रांच के लिए है, ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए, सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ऑटो कैट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सभी ब्रांचों के लिए आपका ये सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, तो मार्जिन क्या कर रहा है, रिवेट छिद्र के केंद्र से प्लेट के निकटतम कोर के मध्य की दूरी को मार्जिन कहते हैं, ठीक, समझिए ध्यान से, यानी किसी भी प्लेट पे जब रिवेट लगा रहे हैं तो उससे निकटतम कोर, यानी जो किनारा हो उस प्लेट का, जो किनारा हो उस किनारे से और रिवेट जहां लगा रहे हैं उसके बीच की दूरी को ही मार्जिन कहते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे देखिए ये हमारा एक प्लेट हो गया और यहां पर हमको रिवेट लगाना है, ये रिवेट लगा रहे हैं, तो ये जो रिवेट लगा रहे, तो ये निकटतम कोर यानी किनारा है, ये किनारा है, तो इस किनारे से ये वाली दूरी, इस वाली दूरी क्या कहते हैं, मार्जिन, इस दूरी क्या कहते हैं, मार्जिन। वही कह रहा है रिवेट के छिद्र के केंद्र से, देखिए रिवेट के छिद्र के केंद्र से प्लेट के निकटतम कोर, प्लेट के निकटतम कोर के मध्य की दूरी को मार्जिन कहते हैं, ये आपका निकटतम कोर किनारा है, इसके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, समझिए ध्यान से बात, क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। इसका प्रायः मान 1.5D माना जाता है, जहां डी बराबर रिवेट का व्यास, यहां डी बराबर क्या है, रिवेट का व्यास, यानी जो रिवेट का व्यास है उससे 1.5D दूरी पर किनारा उसका होगा, उसका क्या होगा, किनारा होगा। अब आइए अगली बात बताते हैं, अगला चौथा नंबर क्या कर रहा है, कर रहा है बट जोड़ में मुख्य प्लेट की मोटाई। आगे देखिए यहाँ पर कुछ एक फार्मूला है, ये बात थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगी, मगर जब जोड़ की ड्राइंग बनाएंगे तो ये फार्मूला वहां पे यूज किया जाएगा, इसलिए इसको अभी सिर्फ आपको बता दिया जा रहा है, ठीक। देखिए क्या कर रहा है, बट जोड़, यानी जब जोड़ के टाइप पढ़ेंगे, जोड़ के प्रकार पढ़ेंगे तो उसे बट जोड़ आएगा। बट जोड़ में मुख्य प्लेट की मोटाई T mm हो तथा कवर प्लेट की मोटाई T1 mm हो, ठीक। बट जोड़ में क्या है, बट जोड़ जब बनाते हैं तो उसमें कवर लगाते हैं, ठीक, तो मुख्य प्लेट की मोटाई टी मिलीमीटर हो और कवर प्लेट की मोटाई T1 mm हो, ठीक। तो सिंगल कवर होगा तो T1 = 1.12 T, ये सिर्फ फार्मूला आप याद रख लीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर यूज में आएगा, तब ये बातें समझ में आएगी, ठीक। तो सिंगल कवर रहेगा तो T1 = 1.12 T होगा,
और डबल कवर रहेगा तो टी वन बराबर 0.70 टी होता है। ये दोनों फार्मूले को याद रख लीजिए, जहां क्या है टी वन कवर प्लेट है और टी मुख्य प्लेट है। मुख्य प्लेट यानी जिस प्लेट को जोड़ा जा रहा है, जैसे आपका शर्ट कभी कभी कहीं से फट जाता है तो दर्जी कहता है यहाँ पे चकती लगा दिया जाए तब ये सिला पाएगा, तो जो चकती लगाते हैं उसी को कवर प्लेट कहते हैं और जिसको जोड़ा जा रहा है वो मुख्य प्लेट कहलाएगा। ठीक, यानी बट जोड़ में ऊपर से एक कवर प्लेट लगा दिया जाता है, बट जोड़ में एक कवर प्लेट लगा दिया जाता है जिससे कि उस कवर प्लेट की भी कुछ मोटाई निर्धारित की जाती है, वही मोटाई की बात कर रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका है रिवेट जोड़ के प्रकार। यहां से आगे आप क्या रिवेट जोड़, रिवेट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, ये जो रिवेट द्वारा जोड़ बनाए जाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो रिवेट जोड़ है वो आपका रिवेट जोड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रिवेट जोड़ क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आइए ध्यान दीजिए, पहला आपका है चढ़ाव जोड़, पहला क्या आपका है चढ़ाव जोड़, और दूसरा क्या है टक्कर जोड़। ठीक, यानी जिसमें जोड़ने वाली प्लेट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ेंगे। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, ये एक प्लेट ये आपके सामने दिख रहा है सपोज कर लीजिए, और एक प्लेट ये दिख रहा है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा के जोड़ेंगे तो इस प्रकार के जोड़ को चढ़ाव जोड़ कहते हैं। फिर अगला आपका है टक्कर जोड़, यानी इन दोनों प्लेटों को ऐसे सटा के जोड़ेंगे तो इस प्रकार के जोड़ बोलते हैं टक्कर जोड़, यानी इंग्लिश में बट ज्वाइंट। ध्यान दीजिए, ये टक्कर जोड़ या बट ज्वाइंट, इसे चढ़ाव जोड़ या लैप ज्वाइंट। ठीक, वही जैसे दर्जी इसे फट जाता है तो दोनों को सटा के सिलता है तो उसके ऊपर एक चकती रख देता है। ठीक, और जब क्या होता है एक के ऊपर एक चढ़ा के सिलता है, चकती नहीं रखता है तो उसे कहते हैं लैप ज्वाइंट, यानी लैप एक दूसरे पे चढ़ा दिया गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो चढ़ाव जोड़ का परिभाषा क्या होता है देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है इस जोड़ में जोड़े जाने वाली चादरों को एक दूसरे पर चढ़ा कर रखा जाता है। इस जोड़ में जोड़े जाने वाली चादरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा जाता है। ये जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं, सीधी सीधी बात है, इस जोड़ में जो जोड़े जाने वाली चादर है उसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखा जाएगा, एक दूसरे पर चढ़ा के रखा जाएगा। ठीक, ये जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं, ये जोड़ निम्न प्रकार के होते हैं। हम सिर्फ उन्हीं जोड़ों की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड जो सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस बुक है उसमें जो बीटी बोर्ड द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उन सभी जोड़ों की बात करेंगे और उन्हीं सभी जोड़ों की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए कौन कौन से है, लैप जोड़ तीन प्रकार, यानी तीन प्रकार के लैप ज्वाइंट का ड्राइंग बनाना सीखना है, जिसमें से पहला है एकल रिवेटन चढ़ाव जोड़। बस नाम सुन लीजिए पारी पारी इसका, जब ड्राइंग बनाएंगे तो प्लेटों को एक दूसरे ऊपर रख कर सटा के जोड़ बनाना सिखाएंगे। ठीक, पहला है एकल रिवेटन चढ़ाव जोड़, दूसरा है दोहरा रिवेटन चढ़ाव जोड़, और तीसरा है दोहरा रिवेटन चढ़ाव जोड़। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसका इंग्लिश नाम पढ़ लेते हैं, कह रहा है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। दूसरा नंबर है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, तीसरा भी है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, यानी दूसरा तीसरा सेम सेम लिखा है मगर उसी के आगे देखिए आगे लिख दिया है चैन टाइप जिगजैग टाइप। ठीक, यानी दूसरे वाले को चैन टाइप से जोड़ेंगे और तीसरे वाले को जिगजैग टाइप से जोड़ेंगे। ये आपका हो गया चढ़ाव जोड़ के बारे में। अब अगला टॉपिक आते हैं, अब देखिए टक्कर जोड़, यानी बट जोड़ क्या होता है, बट जोड़ को ध्यान देखिए, बट जोड़ क्या होता है देखिए कर इस जोड़ में जोड़े जाने वाली प्लेटों को पास पास सटा कर रखा जाता है, यानी ये दो प्लेटों को पास पास ऐसे सटा के रखेंगे, ऐसे क्या करेंगे एक दूसरे में सटा देंगे, सटा कर रखा जाता है। अब इसके ऊपर एक कवर प्लेट, ऊपर या नीचे या दोनों तरफ, यानी जब इसको ऐसे सटा देंगे तो रिवेट लगाने के लिए कवर प्लेट रखेंगे, इसके ऊपर चकती की तरह रखेंगे, एक ऊपर से रखेंगे या तो ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे या दोनों तरफ रखेंगे, ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे या दोनों तरफ रखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए ये ऐसे लग दिए, सटा दिए तो इसके ऊपर इस पर कवर प्लेट रखिए, चाहे नीचे रखिए चाहे दोनों तरफ रखिए। ठीक, चाहे दोनों तरफ रखिए, ऊपर या नीचे या दोनों तरफ, दोनों तरफ रख कर रिवेटन किया जाता है। यदि कवर प्लेट एक तरफ रखा गया हो तो उसे एकल कवर प्लेट,
बट जोड़, यदि दोनों तरफ रखा गया हो तो दोहरा कवर प्लेट बट जोड़ कहते हैं। यानी कवर प्लेट यदि एक तरफ रखा गया होगा तो एकल कवर बोलेंगे, अगर दोनों तरफ रखा गया है तो दोहरा कवर प्लेट जोड़ बोलेंगे। ठीक, ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी ये जोड़ भी देखिए निम्न प्रकार का होता है। तो इसमें से जो सिलेबस में निर्धारित किया गया है, जो आपके सिलेबस से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया, उन्हीं सभी जोड़ों के बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए कौन कौन से जोड़ आपके पढ़ने सिलेबस में। पहला है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, पहला आपका है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। दूसरा आपका है सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। ठीक, दूसरा ध्यान देखिए, सिंगल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, यानी पहले में और दूसरे में क्या अंतर है, पहला भी सिंगल रिवेटेड है, दूसरा भी सिंगल रिवेटेड है, मगर इसमें सिंगल कवर प्लेट है, दूसरे वाले में डबल कवर प्लेट है। ठीक, आइए तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, यानी तीसरे नंबर में डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट है। ठीक, तो यानी यहां से तीसरा चौथा भी सेम सेम है, डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, और चौथा में भी लिखा है डबल रिवेटेड डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, ये दोनों सेम सेम है, मगर तीसरे में देखिए आगे लिखा हुआ है चैन टाइप, चौथे में लिखा हुआ है जिग जैग टाइप। ठीक, यानी यहां से आपका ये पूरा सिलेबस निर्धारित होता है, यहां से आपका यह 1 2 3 4 इन चारों जोड़ों को बनाना सीखेंगे। ठीक, तो ये आज का आपका थ्योरी, इस चैप्टर का ये थ्योरी समाप्त हुआ। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंतर्गत तीन प्रकार के लैप जोड़ों का ड्राइंग और चार प्रकार के बट जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। पारी पारा क्या करेंगे, तीनों प्रकार के लैप ज्वाइंट का फिगर बनाना हमको सीखना है और चार प्रकार के बट ज्वाइंट का फिगर बनाना सीखना है, यानी टोटल 7 जो जोड़ हैं, यही 7 जोड़ आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है बोर्ड द्वारा। इन 7 जोड़े की ड्राइंग पार्ट बाय पार्ट हम बनाना सीखेंगे। आपका यहाँ से दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद तीसरे लेक्चर के अंतर्गत हम तीसरे लेक्चर के अंतर्गत क्या करेंगे, यहाँ से आपका ये देखिए एकल रिवेटन चढ़ाव जोड़, इस जोड़ की ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक, सिंगल रिवेटेड लैप जोड़ कैसे बनाया जाता है, उसमें प्लेटों को रिवेटेड साथ कैसे जोड़ा जाता है, उस जोड़ का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना सीखेंगे। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना सीखेंगे, यानी परिच्छेदी सम्मुख दृश्य। अब ठीक, अगले लेक्चर के अंतर्गत इस पहले का क्या करेंगे, हम पहले वाले का जोड़ बनाना यानी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। पहले इस प्रकार से हम पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ये सीख लेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा फिर टक्कर जोड़ का, यानी बट जोड़ का पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सीख लेंगे। इन 7 प्रकार के जोड़ की ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी चैप्टर के अंतर्गत इन 7 प्रकार के जोड़ों की ड्राइंग ही सिर्फ बनानी सीखनी है। ठीक, आज का लेक्चर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब सोमवार को अगली क्लास आपको सोमवार चलेगी, जिसमें हम लैप ज्वाइंट का पहला ड्राइंग यानी लैप ज्वाइंट का पहला जोड़ का ड्राइंग बनाना सीखेंगे। इसलिए सोमवार को जब आप लाइव क्लास से जुड़िएगा तो साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल स्केल जो भी सारे साथ को लेकर बैठिएगा, ताकि आप भी हमारे साथ साथ बनाएं। अगर आप बनाएंगे तभी आपको बनाने आ सकता है, नहीं तो सिर्फ इस लेक्चर का क्लास अटेंड करके आप सोचते हैं क्लास को सिर्फ देख ले और हमको बनाने आ जाए, तो आपको कतई बनाने नहीं आ पाएगा। आप भी अपने हाथों द्वारा जब इसको बनाएंगे तभी आपको बनाने आ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।